Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS, and in this video I will discuss quantitative aptitude and logical reasoning questions asked in the CSAT exam held on 10th October 2021. I have already discussed up to question number 60 of set A, and today we will discuss question number 63 onward. Okay, so question number 63 of set A. Yes, कौन सा set था आपके पास में? ए, सेट ए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ. तो बाकी के सभी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस डिटेल के अंदर. तो अगर आपको प्रीवियस जो क्वेश्चंस है वो चेक करने हैं तो वो वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से उनको भी चेक कर सकते हो. ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास. क्वेश्चन क्या था? देयर आर थ्री पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन है, उसके अंदर तीन पॉइंट्स गिवन है आपके पास, पी क्यू एंड आर. ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि हाँ जी इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग इसके आंसर की मिली होगी. तो अब यहाँ पे जब हम इसको डिटेल में समझ लेंगे तो फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल. तो यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास? यस, एक रेशियो गिवन है. क्या? पी क्यू रेशियो क्यू आर एंड दिस इज थ्री रेशियो फाइव. ये आपके पास गिवन है. नाउ क्वेश्चन इज, इफ एन इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड पी आर देन व्हाट इज एन इक्वल. अब यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज कहा गया है आपसे, तो आप ध्यान से देखो. अगर हम पॉसिबल की बात करें तो एक केस आपके पास क्या बन जाता है, ये पी है, क्यू है और आर है. दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर एंड दिस रेशियो इज थ्री रेशियो फाइव. ओके, अब ये वाला केस बन जाता है एक. तो अगर मान लो मैं दूसरा केस लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है दूसरा केस. अगर मैं यहाँ पे दूसरा केस लेती हूँ, क्या कि यहाँ पे मैं ले लूँ इसको P, यहाँ पे मैं इसको ले लूँ P और इसको मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा R और इसको मैंने ले लिया Q. अब देखो क्या रेशियो हमारी फॉलो हो रही है. रेशियो क्या थी? P Q इज थ्री. P Q इज थ्री, दैट मीन्स ये क्या कह रहा है कि ये पूरा तो थ्री है और Q R दिस इज फाइव. तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, मींस ये वाला केस आपका रॉन्ग हो गया. ठीक है, अब हम तीसरा केस क्या ले सकते हैं? तीसरा केस हम यहाँ पे ले सकते हैं कि यहाँ पे मैं ले लूँ क्यू, यहाँ पे हम ले लें क्या वैल्यू क्यू. अब यहाँ पे अगर मेरे पास में क्यू है और यहाँ पे आपके पास पी और ये हो गया आपके पास आर. ओके, अब देखो पी क्यू थ्री, पी क्यू या क्यू पी कुछ भी ले लो, मीन्स ये वैल्यू क्या कह रहा है? थ्री है. क्यू आर, क्यू आर मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट, दिस इज फाइव. अगर ये पूरे का पूरा कितना है? फाइव, दैट मीन्स कि ये वैल्यू क्या है? टू. दैट मीन्स कि ये भी पॉसिबल केस बनता है. दैट मीन्स क्या हो गया कि आपके पास एक तो ये पॉसिबल केस है और एक ये पॉसिबल केस है, ये वाला केस आपका रॉन्ग हो गया. अगर इसका रिवर्स भी ले तो रिवर्स के केस के अंदर भी बेटा ये वाला तो चलेगा बट ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा. सिंपल सी बात है. तो अब इस केस के अंदर अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? पी क्यू रेशियो पी आर. तो आप देखो फर्स्ट केस के अंदर पी क्यू, पी क्यू क्या बनेगा आपके पास? थ्री. एंड पी आर, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एट. दैट मीन्स की रेशियो विल बी थ्री रेशियो एट. ओके, अब अगर हम दूसरा केस लेते हैं तो यहाँ पे देखो पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास थ्री और पी आर, पी आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में यस टू. ओके, दैट मीन्स कि कितनी वैल्यूज बन रही है? दो पॉसिबल वैल्यूज बन रही है. तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर, इसको किसी को कोई भी डाउट हो. अब यहाँ पे माइंड में आता है कि चार वैल्यूज भी तो बन सकती है मैम, बिकॉज यहाँ पे इसको पी क्यू आर की बजाय मैं आर क्यू पी कर दूँ तो, एक बात आती है ना, आर क्यू पी कर दूँ तो, अगर हम इसको आर क्यू पी करेंगे तब भी तो हमारे पास में जो वैल्यूज है वो तो सेम ही बनेंगे ना बेटा, रेशियोज तो सेम ही बनेंगी. तो इसलिए आपके पास में दो ही आंसर आएगा, चार आंसर नहीं आएगा. क्लियर? बिल्कुल कोई डाउट इसके अंदर? यस. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ऑन ए चेस बोर्ड इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन सिक्स कॉन्जिक्यूटिव स्क्वेयर्स बी चोजन ऑन द डायगनल अलोंग द स्ट्रेट पाथ. डायगनल की बात करें चेस के अंदर, अगर हम चेस की बात करें तो आपके पास में एक स्क्वेयर की शेप में होता है चेस, जिसके अंदर हाँ जी 8x8 का होता है. ठीक है ना, तो अब उसके अंदर डायगनल या तो ऐसे जाएगा या फिर डायगनल ऐसे जाएगा. सिंपल सी बात है. देखिए
आप ऐसे कंसीडर कर लो, ठीक है, लाइक दिस इज ए चेस बोर्ड। अब अगर ये चेस बोर्ड है तो उस केस के अंदर अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो क्या कह रहा है कि सिक्स कॉन्जिक्यूटिव स्क्वेयर्स उठाने हैं उसने। सिक्स कॉन्जिक्यूटिव में आप ये कैसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ये ले सकते हो फर्स्ट केस, ठीक है जी। अब अगर दूसरा क्या बनेगा, कॉन्जिक्यूटिव उसने कहा है, दैट मीन्स कि इसको अगर मैं छोड़ दूं और साथ में इसको ले लूं, सेकंड केस। तीसरा क्या बनेगा, किसको भी मैं छोड़ दूं और इसको ले लूं, थ्री। क्लियर, दैट मीन्स कि थ्री वेज है क्रॉस वन डायगोनल। ओके, सेम वे अगर हम दूसरे डायगोनल की तरफ देखेंगे तो इस डायगोनल के अंदर भी अगेन आपके पास में थ्री केसेस हो गए, तो 3 + 3 दैट मीन्स कि टोटल कितने हैं आपके पास में, 6 वे से आप चूज कर सकते हो इसको। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे भी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, आपको सिर्फ डायगोनल ही देखने, कंसेक्यूटिव में तो वैसे भी 6 आ जाएंगे, बट ऐसे नहीं लेना है आपको, हॉरिजेंटली और वर्टिकली नहीं लेना, सिर्फ डायगोनल्स को चेक करना है। तो अगर हम डायगोनल्स को चेक करते हैं तो अपने पास में वैल्यू क्या बनेगी, यही बनेगी। यस, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए सीरीज डैश बी डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए बी ए बी डैश ए बी फिल इन द 6 blanks using one of the following 4 choices such that series follows the specific order. तो यहाँ पे आपके पास में अगर हम values को put करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप option D को put करते हो तो आपकी बिल्कुल सही series बन रही है। देखो क्या series बनती है, अगर मैं यहाँ पे इसको put कर देती हूँ, A B A B A B, that means कि यहाँ पे मैंने रखा बेटा A, ठीक है, यहाँ पे हमने रखा B, then A B A B, ओके okay? अब ये देखो 3-3 के पेयर्स में चेक करो आप इसको, क्या बन रहा है, ए बी बी ए ए बी ए बी बी, मीन्स कि जो आपके पास में सीरीज बन रही है, सीरीज कैसे बन रही है, ए बी बी, ठीक है, और उसके बाद ए बी ए ए बी, ओके, यही बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे ए बी बी, ठीक है, फिर ए ए बी, फिर ए बी बी ए ए बी, तो यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही सीरीज आपकी बन रही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2 2 3 3 3 एज थ्री डिजिट्स एज डिजिट्स हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 3000 कैन बी फॉर्म, 3000 से ज्यादा जो ग्रेटर नंबर हैं सिर्फ वो कितने बन पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो 3000 मीन, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपने पास में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 फाइव डिजिट्स है, 1 2 3 4 and 5। अब 3000 से ग्रेटर देन नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स कि ये वाली जो डिजिट है ये तो मेरी फिक्स होगी, फिक्स हो गई है। अब मेरे पास में टोटल कितनी रहेगी, 4 डिजिट्स है और 4 से 4 ही प्लेसेस है, तो अगर 4 से अगर मैं देखूँ इसको चेक करूँ तो फैक्टोरियल 4 वे से आप इसको कर सकते हो, यस, देयर आर 4 डिजिट्स, फैक्टोरियल 4 से हम इसको चूज कर लेंगे। अब फैक्टोरियल 4 से तो चूज कर लेंगे, बट जो रिपीटेटिव डिजिट्स होती है उनसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिपीट, देखो यहाँ पे एक 3 तो मेरा यूज हो गया, 2 2 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स कि फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यस, दिस विल बी 4 3 2 1 / 2 × 2, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, 6 विल बी द करेक्ट आंसर। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन बी 6। सिंपल परम्यूटेशन का क्वेश्चन है आपके पास में, हाँ जी, तो परम्यूटेशन के अंदर भी क्या करते होते हैं, हाँ जी, जो रिपीट होते होते हैं आपके पास में नंबर। अब यहाँ पे नंबर पे क्वेश्चन आ गया है, अगर आपके पास में अल्फाबेट गिवन होते हैं तो उसमें भी हम ध्यान देते हैं कि हाँ जी जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हो रहा है तो उसे डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे भी हमने उसको डिवाइड कर देना। ओके, यस, नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100, हाँ जी 100 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे अब अगर मैंने चेक करना है कि हाँ जी कौन सा होगा, तो टोटल 100 कह रहा है, 5 कॉन्जिक्यूटिव का 100, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 100, दैट मीन्स व्हाट, कि जो मिड टर्म आएगी मेरे पास में, मिड टर्म कितनी आएगी, 20 आएगी, 100 / 5 = 20, मिड टर्म आ गया आपके पास 20 से 2 टर्म्स इधर ले लो, 2 टर्म्स इधर ले लो, तो इधर लेंगे आपके पास में, तो यहाँ पे अपने पास में हो गया 21 and 22, और इधर से अगर मैं देखूँ देन 19 and 18। अब देखिए सम कितना बन रहा है आपके पास में, दिस विल बी 100, दैट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके,
दूसरा देखिए क्या है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। कह रहा सम और प्रोडक्ट तीन कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यस वन टू एंड थ्री, अगर मैं ये तीन नंबर लेती हूँ तो अगर मैं इनका सम करूँ यस, तो सम कितना बनेगा आपके पास सिक्स। ओके सेम वे अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं देन दिस विल बी सिक्स। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों के दोनों हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, सो आंसर क्या आ जाएगा बोथ वन एंड टू। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दोनों केसेस में कैन भी कह रहा है वो, कैन बी मीन्स कि कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, कोई एक वैल्यू भी अगर एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स कि ट्रू होगा ये। ओके यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर, हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन इट, नेग्लेक्ट द थिकनेस ऑफ द वेसल। अब देखो अगर मान लो मैंने ये चेक करना है कि उसके अंदर कितना वाटर आएगा, दैट मीन्स कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। ओके एंड वॉल्यूम यहाँ पे आपके पास कितना होगा, वॉल्यूम यहाँ पे क्यूबिकल वेसल है, क्यूबिकल वेसल है दैट मीन्स कि 1 क्यूब, दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास में 1 मीटर क्यूब। ओके और 1 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^6 मिलीलीटर। सभी को पता है क्या होते हैं 1 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 10^6 मिलीलीटर। दैट मीन्स कि कितना वाटर आ जाएगा 10^6, और 10^6 अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास में वैल्यू कहाँ पे ये है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देयर आर 6 पर्सन अरेंज्ड इन ए रो, देयर आर 6 पर्सन अरेंज्ड इन ए रो, अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड विद 3 ऑफ देम so that he should not shake hand with the 2 consecutive person. अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन था क्या कि 6 persons है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास में 6 persons है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, अनदर पर्सन की यहाँ पे कोई एक और पर्सन है, ठीक है, has to shake hand with 3 of them, means इन 6 में से 3 के साथ में हैंड शेक करना है उसने, और साथ में वो क्या कह रहा है, हाँ जी शुड नॉट शेक हैंड विथ 2 consecutive person, 2 consecutive person के साथ में उसने हैंड शेक नहीं करना है। ओके अब यहाँ पे क्या है, इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन बी हैंड शेक टेक प्लेस, कह रहा है कितने कॉन्जिक्यूटिव, कितने आपके पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब इस ये भी पर्सन है, मान लो इसने इसके साथ हैंड शेक किया ए के साथ में, अब ए के साथ हैंड शेक कर लिया दैट मीन्स कि बी के साथ हैंड शेक नहीं कर सकता, दैट मीन्स क्या आ जाएगा सी, फिर डी के साथ नहीं कर सकता, फिर एफ के साथ हैंडशेक करेगा। ओके अब वो कह रहा है कि हाँ जी फर्स्ट के साथ हैंडशेक कर लिया, अब उसके बाद कह रहा है कि सी को छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, 2 को डी के साथ कर सकता है वो, और फिर एफ के साथ हैंडशेक कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद में अब अगर मान लो मैं देखूं डी के बाद में सीधा ई के साथ में वो हैंडशेक करता है तो फिर वो एफ के साथ नहीं कर सकता, दैट मीन्स कि यही 2 केस बनेंगे एक ही केस में अपने पास में। अब दूसरा हम देखते हैं, यस ये हो गया आपके पास ए सी एंड एफ। दूसरा देखिए अगर बी का केस देखते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि बी के साथ में वो हैंडशेक करता है, बी के साथ में हैंडशेक करता है तो वो यहाँ पे ए और सी दोनों के साथ में हैंडशेक नहीं करेगा, किसके साथ में हैंडशेक करेगा डी और एफ के साथ में, बी के साथ हैंडशेक करेगा तो उसके बाद में बेटा डी और एफ के साथ में हैंडशेक करेगा, क्लियर, हाँ जी ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास में। अब उसके बाद में हाँ जी उसके बाद में यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या है वैल्यू, देखो अगर ए हैंडशेक कर ए के साथ हैंडशेक कर लिया उसने, ए के साथ हैंडशेक किया तो उसके बाद में वो क्या कह रहा है कि किसके साथ में, बी के साथ हैंडशेक नहीं कर सकता, सी के साथ हैंडशेक करेगा, फिर डी के साथ नहीं कर सकता, ई के साथ करेगा, ठीक है। दूसरे केस के अंदर ए के साथ में कर लिया उसने हैंडशेक, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से वो डी के साथ हैंडशेक कर रहा है, फिर एफ के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, उसके बाद में अगर हम बी का केस देखते हैं तो बी के साथ में, अब आप यहाँ पे देखिए कि जब वो बी के साथ में हैंडशेक करेगा तो यहाँ पे बी हो गया, उसके बाद में किसके साथ हैंडशेक करेगा डी के साथ, और फिर हैंडशेक करेगा वो एफ के साथ में, क्लियर है ये वाला पॉइंट। ओके पॉइंट क्लियर है। अब देखो अब यहाँ पे एक और केस रह गया कि जब ये ए है, ये ए हाँ जी ए सी के साथ हैंडशेक करेगा, उसके बाद ई के साथ भी कर सकता है हैंडशेक,
हाँ जी, ये एक रह गया था आपका। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने केसेस बन रहे हैं बेटा, 4 केसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यस देयर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द हैंडशेक्स, दैट मीन्स कि 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके यस, नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल क्लियर है। देखो एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ए है, अगर ए के साथ हैंडशेक करेगा तो बी के साथ नहीं कर सकता, सी और ई, ए के साथ में सी और ई के साथ हैंडशेक करेगा। अब वो कह रहा है कि नहीं बी को छोड़ देता हूँ मैं, बी को अगर वो छोड़ देता है तो उसके बाद में यहाँ पे सी और ई के साथ में हैंडशेक कर लेगा, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे वो सी को अगर छोड़ देता है तो डी और एफ के साथ में हैंडशेक कर सकता है, अगर यहाँ पे वो बी को कंसिडर करता है तो ए और सी के साथ हैंडशेक नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, बी डी और एफ का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आई होप क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास, एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन रेशियो पी रेशियो क्यू रेशियो आर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर। इस क्वेश्चन में भी काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर के गिवन है, तो इसको हम समझ लेते तो उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए बी सी देर आर 3%। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन रेशियो पी रेशियो क्यू रेशियो आर, पी क्यू एंड आर इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब क्या है स्टेटमेंट, ए गेट्स मैक्सिमम शेयर, कह रहा ए को मैक्सिमम शेयर कब मिलेगा, इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू एंड आर। अब यहाँ पे कोई कैन का केस नहीं है, डेफिनेट केस है, इस बात का ध्यान रखना है, कैन का केस नहीं है, पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, डेफिनेट केस है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कहा, ए गेट्स मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू एंड आर। बिल्कुल सही है कि हाँ जी, अगर पी की वैल्यू क्यू और आर के सम से ज्यादा है तो ए का शेयर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, बिल्कुल सही बात है। बट साथ में एक बात ये भी देखिए कि कुछ केसेस ऐसे भी बन रहे हैं जिसके अंदर, हाँ जी, जिसके अंदर P और Q, यहाँ पे देखो मान लीजिए कि इसकी सम की बजाय अपने पास में वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास में वैल्यू रेशियो है 5:1:2, 5:1:2। अब इस केस के अंदर ये जो वैल्यू है, ये आपके ग्रेटर देन है किससे, 1+2, दैट मीन्स कि 3 से ग्रेटर देन है। अब इस केस में पी का शेयर मैक्सिमम है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉलो हो रही है, ठीक है। अब एक दूसरा केस उठा के देखते हैं, अगर मेरे पास में मान लो इसकी जगह पे रेशियो हो जाती है क्या, यस, अगर मेरे पास में रेशियो, मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, अगर हमारे पास में रेशियो हो जाती है 4:3 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी इज ग्रेटर देन 4+3 है, नहीं है, बट शेयर ऑफ पी इज मैक्सिमम, अभी भी तो पी का शेयर मैक्सिमम रहेगा, बट दोनों के सम से तो पी की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो है हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हाँ जी यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये सही है कि हाँ जी मैक्सिमम शेयर होगा, कि अगर P और क्या उसे ज्यादा है तो मैक्सिमम शेयर होगा ही होगा, ये तो फैक्ट है, ठीक है। बट साथ में अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ जी अगर इनका जो सम है, इनके जो सम से अगर इसकी वैल्यू बाय चांस कम है तो क्या मैक्सिमम शेयर नहीं हो सकता, तो भी हो सकता है, दैट मीन्स कि पहला अपने पास में रॉन्ग हो गया। ओके अब अगला देखिए क्या है, सी गेट्स मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू से आर लेस है। तो यहाँ पे देखो अगेन पी जो है, जो अपना आर है, आर लेस है इन दोनों के सम से, आर इन दोनों के सम से लेस है, दैट मीन्स कि सही है। बट इस केस के अंदर भी यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम शेयर कब होगा, जब इन दोनों के सम से कम होगे, अगर उनके सम की बजाय वैसे भी वैल्यू कम होगी तो भी क्या होगा, अगर जैसे यहाँ पे ये वैसे भी अगर वैल्यू कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, तो भी कम ही होगी, ठीक है, दैट मीन्स कि ये भी आपके पास में रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, नीदर वन नोर टू। हाँ जी बताइए, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, सेकंड तो सभी स्टूडेंट्स को वैसे क्लियर था, फर्स्ट वाले के अंदर काफी लोगों का डाउट आ रहा था क्योंकि लोगों ने यहाँ पे ये भी कहा है कि यस
टू वन विल बी द आंसर, बट वन आंसर नहीं होगा यहाँ पे आपके पास में, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, नीदर वन नोर टू विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप क्लियर है ये वाला पॉइंट. चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स. एक पाई चार्ट है और इसमें तीन चीजें ही हैं, तीन ही एलिमेंट गिवन है आपके पास, क्या, प्रोटीन वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स. थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है. कह रहे कि यहाँ पे गिवन दैट प्रोटीन कोरस्पॉन्ड्स टू 16%, प्रोटीन जो है दैट इज 16%, ओके, एंड वाटर इज 70%, वाटर इज 70%, यू कैन से दिस इज, दिस कंप्लीट इज वाटर एंड दिस इज 70%, एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स. तो अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों का जो सम है टोटल, हमेशा पाई चार्ट के अंदर वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है. कितनी होती है, 100% होती है. दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो हमारे पास में ड्राई एलिमेंट्स हैं, तो ड्राई एलिमेंट्स यहाँ पे कितना हो गया, 14% हो गया. आई होप सभी को क्लियर है कि हाँ जी ये पाई चार्ट हमने कैसे ड्रॉ किया है. अब उसके बाद में क्या है क्वेश्चन, देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर सेक्टर रिप्रेजेंटिंग पी ऑन द पाई डायग्राम वेयर पी इज व्हाट इफ बोथ प्रोटीन एंड द ड्राई एलिमेंट कोरस्पोंड्स टू पी. प्रोटीन एंड ड्राई एलिमेंट्स, पी इज इक्वल टू प्रोटीन एंड ड्राई एलिमेंट्स. हेयर प्रोटीन is 16% and dry elements is 14%, that means this is 30%, okay, means what, कि जो आपका पूरा 360 degree है, 360 degree represent करता है बेटा 100% को, 360 represent करता होता है 100% को, that means what, कि 100% is equivalent to 360, okay, 1 is 360 by 100 and this 30 will be equivalent to what, 360 by 100 into 30, okay, this will be 108 degree, okay, so answer kya aa jayega aapke paas, 108 degree will be the correct answer, option C will be the correct answer. I hope clear hai, yes. हाँ जी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी फिफ्थ डे, हार्श विजिटेड ऑन एवरी 24th डे, व्हाइल सुमित विजिट्स ऑन 9th डे, ओके, इफ ऑल थ्री ऑफ देम मेट एट द क्लब ऑन संडे, संडे को तीनों के तीनों मिलते हैं, देन ऑन विच डे विल ऑल ऑफ थ्री मीट अगेन, दोबारा से कब मिलेंगे, तो कब मिलेंगे, हाँ जी कितने दिनों के बाद मिलेंगे, तीनों के एलसीएम के बराबर जितनी वैल्यू आएगी इतने दिनों के बाद में दोबारा से मिलेंगे, ओके, ये पॉइंट क्लियर है सभी को. तो यहाँ पे देखते हैं कितने दिनों के बाद मिलेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम फाइंड आउट करूँ किसका, हाँ जी फिफ्थ डे, 24th डे एंड 9th डे, ओके, तो यहाँ पे आपके पास में एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी, यस एलसीएम विल बी 360. एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 360 एलसीएम आ जाएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि हाँ जी कितने दिनों के बाद मिलेंगे, अगर क्वेश्चन होता कि कितने दिनों के बाद मिलेंगे तो आपके पास में सीधा आंसर था कि हाँ जी 360 डेज के बाद मिलेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाँ जी क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है कि किस दिन मिलेंगे, पहले कब मिले वो, संडे को. अब यहाँ पे हम अगर नंबर ऑफ ऑड डेज देखें, अगर आपको कैलेंडर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज 360 डिवाइडेड बाय 7. नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे फाइंड आउट करते हो, 7 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएंगे आपके पास, ओके, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑड डेज मीन्स व्हाट, कि हाँ जी रिमाइंडर आपको देखना होता है बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं रिमाइंडर की बात करूँ तो रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, दिस विल बी 7 × 5 = 35, 1 × 7 = 3 आ गया, ठीक है, यस नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए, 3 आ गए, दैट मीन्स कि जो आपके पास में दिन गिवन है इसके बाद में आपको 3 कैलकुलेट करना है, और जब आप 3 कैलकुलेट करते हो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, संडे के बाद मंडे, ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, वेडनेसडे विल बी द करेक्ट आंसर. बिल्कुल क्लियर है,
हाँ जी, सबसे पहले हमने चेक करना है कि कितने दिनों के बाद मिलेंगे, कितने दिनों के बाद मिलेंगे, जितना कि एलसीएम आएगा, ठीक है। अब उतने दिनों के बाद मिल रहे, बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, किस दिन मिलेंगे, ठीक है। तो किस दिन मिलेंगे वो, उनके लिए हमने क्या करना है, जो भी दिन है उनका हमने ओड डेज फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ओड डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेवन से डिवाइड करके। जब सेवन से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है दैट आर द ओड डेज, तो हमने यहाँ से सेवन से डिवाइड किया, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच गया आपके पास में, थ्री बच गया, दैट मीन्स कि थ्री ओड डेज हो गए। आई होप क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन इज 54। दो अपने पास में नंबर है, क्या कह रहे हैं कि हाँ जी, अगर मान लो हम हमारे पास में जो नंबर है और उसकी पोजिशन को चेंज करें, तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। क्लियर। आगे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नोन। ओके, दूसरी स्टेटमेंट है, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, कह रहा है कि उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉइंट क्या है, हमें गिवन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन। अगेन आपके पास में देखो, मैंने पहले भी जब आपको नंबर सिस्टम पे भी करवाया, तब भी मैंने कहा था नंबर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। अब नंबर फॉर्मेशन पे अगर आपने देखो, सिर्फ नंबर फॉर्मेशन पे ही तीन क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही है कंसेप्ट, अगर मेरा नंबर है मान लो एक्स वाई, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, 10x + y, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंज करेंगे तो डिफरेंस के अंदर क्या हो गया अपने पास में, 10y - x एंड दिस इज इक्वल टू 54। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, 9x - 9y इज इक्वल टू 54, 9 कैंसिल आउट हो गया, x - y इज इक्वल टू, यस दिस इज 54, यस दिस वैल्यू इज 6। मीन्स कि जो मेरे पास में नंबर है, नंबर क्या आ रहा है, डिफरेंस मेरे पास 6 का आ रहा है, मीन्स आई कैन फाइंड आउट द डिफरेंस। तो ये तो आपके पास में बिल्कुल करेक्ट हो गया, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइन। ओके, अब जो दूसरा पॉइंट है कि हाँ जी प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में मुझे नंबर एग्जैक्ट तो नहीं पता। अब 6 डिफरेंस के अंदर तो नंबर ऐसे भी हो सकता है मेरे पास में, हाँ जी, अगर मेरे पास में डिफरेंस कितना है 6 का, तो मेरे पास में नंबर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 39। ओके, तो अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, 54 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे नंबर ऐसे भी हो सकता है, यस 82 एंड 28, अभी भी डिफरेंस इतने का ही आ रहा है, 71 एंड 17, अभी भी डिफरेंस इतने का ही आ रहा है। अब हमें एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि हाँ जी ये नंबर ऐसे भी हो सकता है, 6006 तो ले नहीं सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको टू डिजिट नंबर है। तो अब यहाँ पे देखो, हमारे पास में इतने नंबर बन रहे हैं, 7 नंबर्स बन रहे हैं जिनके अंदर डिफरेंस 6 का आ रहा है। अब क्वेश्चन में ये भी है कि हाँ जी उनका प्रोडक्ट मैंने देखना है, तो अब मुझे नहीं पता कि हाँ जी ये नंबर है या फिर ये नंबर है, ये है ये, अगर इसके अंदर मैं देखूँ तो प्रोडक्ट कितने का बनेगा आपके पास, 27। इस केस में प्रोडक्ट कितने का बनेगा, 6। इस केस के अंदर प्रोडक्ट बनेगा 7 और इस केस में प्रोडक्ट बनेगा 0। दैट मीन्स कि हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मीन्स कि कब फाइंड आउट कर सकते, अगर आपके पास में साथ में ही इनका, हाँ जी यहाँ पे अगर मेरे पास में प्रोडक्ट गिवन हो गया, हाँ जी उसका प्रोडक्ट कितना है, 27 है। अगर प्रोडक्ट मेरे पास में गिवन होता इसी क्वेश्चन के अंदर कि प्रोडक्ट 27 है, तो फिर मैं फाइंड आउट करके बता सकती थी ना कि सम कितना बनेगा, 12 बनेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे प्रोडक्ट था तो मैं सम बता सकती हूँ। मीन्स व्हाट, कि अगर मेरे पास में, हाँ जी अगर मेरे पास में प्रोडक्ट गिवन है तो मैं सम फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट, द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइन ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नोन। तो अगर मेरे पास प्रोडक्ट गिवन है तो मैं सम फाइंड आउट कर सकती हूँ, सम गिवन है तो मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो दोनों ही हो सकता है, तो यहाँ पे आपके पास ये भी करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 and 2। ओके, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स सेड टू वाई, एक्स सेड टू वाई, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। अब सिंपल सी बात है, ये जो लाइन है, अगर आप इस लाइन को समझ लेते हो तो आपका आंसर आ गया सिंपल सा,
मीन्स वट, क्या क्या पे क्या 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 कहा गया है, सॉरी, कि तेरे बर्थ के टाइम पे, उसने क्या कहा है कि हाँ जी तेरे बर्थ के टाइम पे मेरी एज क्या थी, तेरे से डबल है जितनी तेरी आज है। इसका मतलब क्या हो गया कि आज के टाइम में जो एक्स की एज है वो वाई से क्या है, 3 गुना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, यही है ना। एक्स सेड टू वाई, एक्स ने वाई से क्या कहा है, क्या कहा है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। दैट मीन्स कि अगर मैं कंसिडर करूं कि एट प्रेजेंट वाई की एज ए है, ठीक है, दैट मीन्स वट कि जो आपके पास में एक्स है, एक्स की एज उस टाइम पे कितनी थी, एक्स एट द बर्थ ऑफ, बर्थ टाइम ऑफ वाई अगर मैं कहूं तो कितनी थी, 2a। यही है, दैट मीन्स कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट एज ऑफ एक्स तो कितनी हो जाएगी, 3a। मीन्स वो उससे 3 गुना है। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब अगर ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है फिर क्वेश्चन इजी हो गया है। क्या है देखो, वो क्या कह रहा है कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 42, दैट मीन्स वट कि वाई की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 14 ईयर्स होगी, ठीक है। अब देखो कह रहा है 8 ईयर्स एगो मीन्स -8। अगर मैं इससे 8 माइनस करती हूँ तो ये वैल्यू होगी बेटा आपके पास में 34, और अगर हम इससे 8 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू हो गई 6। एक्स वाज 5 times दैट ऑफ वाई, एक्स 5 times है, देखिए 5 times नहीं है, ठीक है। अब दूसरा है आफ्टर 14 ईयर्स, आफ्टर 14 ईयर्स अगर हम देखते हैं, आफ्टर 14 ईयर्स मीन्स एड हो जाएगी वैल्यू। अगर 14 ईयर्स के बाद में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 42 + 14 दैट मीन्स 56, एंड 14 ये हो गए बेटे 28। अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, इसका डबल है, 56 डबल है 28 का। तो यही था, आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ एक्स वुड बी 2 times द एज ऑफ वाई, दैट मीन्स कि सेकेंड वन इज ट्रू। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ओनली सेकेंड। बताइए किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% एंड देन न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, देन वट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। अब इसको आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे आप एक वैल्यू कंसीडर करके भी कर सकते हो। तो अब देखिए, अब मैं दोनों से बताती हूँ आपको। अगर मैं कह रही हूँ कि हाँ जी जो प्राइस है, मैंने कंसीडर कर लिया कि 100 रुपीज है, ठीक है, तो न्यू प्राइस क्या आएगा, 100, पहले क्या कह रहा है, डिक्रीज बाय 20%, दैट मीन्स कि 80% रह गया, एंड द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%। अब ये न्यू प्राइस है, ये आगे फर्दर इंक्रीज हो रहा है 25% से, दैट मीन्स कि 125% हो गया। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे, अगेन वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपीज। पहले कितना था, 100, अभी भी कितना है, 100, दैट मीन्स कि 0% का चेंज, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, हो रहे। ओके, सक्सेसिव से भी कर सकते हो। सक्सेसिव में क्या कहता है, यस नेट चेंज क्या होता है, a + b + ab / 100। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला होता है कि नेट चेंज का। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या लोगे आप, माइनस, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस। तो यही है, यहाँ पे देखिए क्या है, डिक्रीज बाय 20% -20 + 25। अब 20 × 25, -20 × +25, दैट मीन्स कि माइनस की वैल्यू आएगी -100 बाई, यहाँ पे आपके पास में कितनी होगी वैल्यू, यस 20 × 25 / 100। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में बच्चे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया 5 से 5, वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो 0% का नेट चेंज है। आई होप क्लियर है, दोनों मेथड मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेस वंस ओनली, कह रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ वन वन ही आ रहे हैं, ठीक है, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। अब सीधी सी बात है, ये क्या कह रहा है कि एक नंबर है, मान लो मेरे पास नंबर क्या है n, और क्या कह रहा है ये, जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास में सारे क्या आ रहे हैं, वंस आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कितने वंस आ रहे हैं, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि भाई वंस आ रहे हैं। इसके बाद में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ओके। अब n की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी वंस है उससे मैं 7 से डिवाइड करूंगी तभी मेरे पास n की वैल्यू आएगी। अब हम जब तक इसको करते रहेंगे जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आप इसको करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास में वैल्यू 15873, ओके। जब 3 तक जाओगे तो यहाँ पे आपको, हमें पता है कि 7 21, लास्ट में 3 आएगा, ठीक है। तो जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी, जब तक आप 1 1 से इसको डिवाइड करते रहेंगे, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 15873। आई होप क्लियर है सभी को। अगर वैसे नहीं तो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, कैसे कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जिसके साथ 7 से मल्टीप्लाई करने पे 111 आएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ओके, क्लियर। वैसे ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसके अंदर ये कंसीडर करके चलो कि हाँ जी यहाँ पे मेरे पास में 5 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे मैं 6 डिजिट्स ले लेती हूँ, ठीक है ना, 6 वंस को ले लेते हैं और उसको हम सोल्व कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 5 डिजिट्स है ना, दैट मीन्स कि 6 वन ले लेंगे, हमारे पास में नंबर ऑफ वंस भी कंफर्म है, और उसको 7 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास में, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ द जॉब इन 21 डेज, 7/8 ऑफ द जॉब कितने टाइम में कर रहा है, 21 डेज के अंदर, हाउ मैनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाई 50%, और जो वर्क है वो 50% अगर इंक्रीज कर दिया जाए, ओके। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या 7/8 वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 21 डेज के अंदर, ओके। अगर पूरा कंप्लीट वर्क की मैं बात करूं तो कंप्लीट वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, यस दैट मींस कि उसको 24 डेज लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि हाँ जी अभी आपके पास में टोटल वर्क कितना है, 24 ही, और उसकी एफिशिएंसी आपके पास में 1, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो टोटल वर्क 50% बढ़ा दिया जाए, हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, टोटल वर्क हम कंसीडर कर रहे हैं 24, और उसकी एफिशिएंसी हमने कंसीडर कर ली कि 1 है, ओके, मींस कि एक दिन में कितना काम करेगा वो 1/24 वर्क कंप्लीट कर लेता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर 50% वर्क बढ़ा दिया जाए, 50% वर्क बढ़ा दिया, दैट मीन्स कि जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा उसका, 24 का 150%, ओके, या सिंपल यहाँ पे आप ये कह सकते हो 36 यूनिट ऑफ वर्क हो गया, ठीक है। अब 36 यूनिट ऑफ वर्क, इस 36 को हम क्या कह सकते हैं, यस 24 प्लस 12, हाँ जी क्या कह सकते हैं, 24 प्लस 12, ओके। अब यहाँ पे देखो, जो 24 है, 24 वर्क को करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 24 डेज, 12 यूनिट ऑफ वर्क करने में उसको कितना टाइम लगेगा, हाफ टाइम लगेगा, क्योंकि आधा काम और बढ़ा है ना, दैट मीन्स कि टोटल उसको 36 डेज ही लगेंगे। अब इसके अंदर से वो कह रहा है कि 21 डेज तो वो कर चुका काम, तो और उसको एक्स्ट्रा कितना टाइम लगेगा, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा, 36 माइनस 21, दैट मीन्स कि 15 डेज लगेंगे, ओके। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, 15 डेज। आई होप क्लियर है सभी को, हाँ जी क्लियर है। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, देखिए सिंपल एक पॉइंट हमें समझ आ गया कि जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में खत्म होगा, 24 डेज के अंदर वर्क खत्म होगा, ठीक है। मींस कि जो 100% वर्क है इट विल टेक 24 डेज। अब उसने कहा कि 50% वर्क बढ़ा दिया, 50% वर्क बढ़ा दिया मींस अभी टोटल वर्क कितना हो गया, 150% हो गया, सीधा 150% हो गया, दैट मींस कि जब 100% को उसको 24 डेज लगते हैं तो इसके अंदर कितना लगेगा, 50% के अंदर 12 डेज लगेंगे, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। दैट मींस कि टोटल उसको कितना टाइम लगेगा 150% वर्क करने में, 36 डेज,
एंड 7/8 वर्क तो हो चुका है, कितने टाइम में, 21 डेज में। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी मोर डेज, कितने दिन और लगेंगे, तो कितने दिन और लगेंगे, हाँ जी एक्स्ट्रा डेज जो लगेंगे वो कितने लगेंगे, 36 के अंदर से बेटा 21 डेज वो काम कर चुका है, 15 डेज और लगेंगे। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, आई होप सभी को क्लियर है। तो पेपर के मैंने एक एक क्वेश्चन को, हाँ जी एक एक क्वेश्चन को काफी डिटेल में करवाया, सो दैट कि कहीं भी डाउट की कोई भी बात नहीं रहनी चाहिए, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी आपको समझ आया है, उस केस के अंदर हमने क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो स्टूडेंट्स 22-23 के लिए जिन्होंने पेपर देना है, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारी बनाई हुई है हमने, जिसके अंदर प्रीवियस 6 ईयर के पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। और अभी 21 का पेपर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपके हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा और भी फ्री कोर्सेज हैं काफ़ी सारे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है, तो आप माइक्रो कोर्सेज भी ले सकते हो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 22-23। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक।